दोस्तों फिल्मों में कैसे हीरो और हीरोइन नकली आंसू निकालते हैं और आखिर क्यों चंद्रमा पृथ्वी से दूर क्यों जा रहा है, क्या चंद्रमा पृथ्वी के बिना जीवित रह सकता है, ये सब मजेदार फैक्ट जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बाद में आप लोग ये सब करना भूल जाते हो। तो स्टार्ट फैक्ट नंबर 10, आईफोन, हैरी पॉटर की किताब और रूबी क्यूब मानव इतिहास में ये तीन सबसे ज्यादा बिकने वाली वस्तुएं हैं। नंबर 9, एक दिन में 24 घंटे नहीं होते हैं बल्कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होते हैं। यह वह समय है जो धरती सूरज का एक चक्कर लगाने में लेती है। नंबर 8, जिमी डोनाल्डन जिन्हें हम मिस्टर बिस्ट के नाम से भी जानते हैं जो कि अमेरिका के सबसे बड़े यूट्यूबर है जिनकी यूट्यूब से पर मंथ इनकम $3 मिलियन यानी कि इंडियन रुपए में देखा जाए तो 23,70,00,000 रुपए की अप्रोक्स पर मंथ यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, जिनके यूट्यूब चैनल पर 10 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। नंबर 7, मातुआ होग नाम का यह व्यक्ति बिना शराब पिए ही हर समय नशे में रहता है क्योंकि इसका शरीर खुद ही अल्कोहल बनाता है जिसकी वजह से यह हर समय नशे में रहता है और इस बीमारी को ऑटो ब्रावरी सिंड्रोम कहते हैं। नंबर 6, साइंटिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक केल्विन क्लेन द्वारा बनाया गया ऑब्सेशन परफ्यूम लगाकर कभी भी जंगल में मत जाना क्योंकि इस परफ्यूम की खुशबू शेर और चीते जैसे बड़े बड़े जानवरों को अट्रैक्ट करती है। नंबर 5, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दिल से टूटे हुए दुनिया वालों से धोखा खाया इंसान काफी बुद्धिमान हो जाता है। नंबर 4, फिल्मी एक्टर्स अपनी आँखों से नकली आंसू ग्लिसरीन लगाकर निकालते हैं बट कुछ एक्ट्रेस ऐसी होते हैं जो नेचुरली अपने आँखों से आंसू निकालते हैं। नंबर 3, नासा की एक रिसर्च के मुताबिक चांद हमारी पृथ्वी से हर साल 1.5 इंच दूर जा रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो चंदा मामा बहुत दूर चले जाएंगे। नंबर 2, दोस्तों स्पिलर्स बेकर स्प्लिटो नाम का ये बिस्कुट दुनिया का सबसे महंगा बिस्कुट है जो कि साल 1912 में टाइटेनिक जहाज के साथ ही डूब गया, लेकिन जब इसे जहाज से निकाल कर इसकी नीलामी की गई तो ये दुनिया का सबसे महंगा बिकने वाला बिस्कुट बन गया जिसकी कीमत $23,000 यानी कि 18,00,000 रुपए की थी। नंबर 1, साइंटिस्ट एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं जिसकी मदद से आपकी आवाज के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि आपको क्या बीमारी है।